सोरेन जिंदाबाद। उसने झूठे केस में फंसा कर उसे बिना वारंट का बिना दस्तावेज का उसने तो वीडियो देखने वाले सभी को जोहार। तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी अभी जेल में हैं। तो उसके चलते एक रैली निकाला गया है केंद्रीय सरना समिति रांची द्वारा। तो दोस्तों उस रैली में आप लोगों को बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों पहले आप लोग को बता दें कि ये रैली लालपुर से होकर स्टार्ट होकर राजभवन से होकर वो मुरादाबादी ग्राउंड तक वहाँ पर जाएगी। तो दोस्तों चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्या आप लोगों को राय कमेंट बताइए। आदिवासियों का हित यहाँ नहीं चाहती है, वो सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ आदिवासियों का
विकास हो, आदिवासी विकसित हो, वो हमेशा चाहती है कि आदिवासी हमेशा जंगल की जिंदगी जिए, जंगल में खाए गुजार बसर करे, यही प्रतीत होता है। आज जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो बिल्कुल तानाशाही के रास्ते पर चल रही है और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अगर उसको अगर सभी को जांच करना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों जांच नहीं बैठाती है, उन नेताओं की जांच क्यों नहीं होती है? आखिर क्या बात है कि ये सिर्फ एक चुनिंदे पार्टी पर ही ये जांच बैठाती है? इससे प्रतीत होता है कि ये केंद्र की सरकार बिल्कुल तानाशाही है और इस झारखंड की सरकार को स्थिर करना चाहती है, हमारे हम आदिवासियों को ये तोड़ना चाहती है और